नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन पांच कंपनियों की कारों के बारे में जिनकी अलाइनमेंट करने से मैकेनिक लोग घबरा जाते हैं। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली हम जब किसी काम को करते हैं तो उस काम को करते करते हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उस काम में हमें अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा ही काम है व्हील अलाइनमेंट यानी मैकेनिक का, जिसमें हम कोई भी गाड़ी हो उस गाड़ी की अलाइनमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों में फीचर्स बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्निक आ रही हैं, और सस्पेंशन में एडजस्टमेंट तरह तरह की बढ़ रही हैं, उस हिसाब से कभी कभी हमें किसी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे सॉल्व करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। और उन गाड़ियों को अलाइनमेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा ये महसूस होता है कि भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आज उन पांच कंपनियों की कारों के बारे में बात करेंगे जिनकी अलाइनमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और उसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, थोड़ी भी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं मारुति कंपनी को। मारुति कंपनी में गाड़ियाँ जो हैं वो अलाइनमेंट के हिसाब से अच्छी गाड़ी हैं और उनमें अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। ज़्यादातर टो एंगल की एडजस्टमेंट होती है, आराम से हो जाती है। लेकिन अब जो एक गाड़ी आई हुई है वो है जिमनी, और जिमनी में ख़ास तौर से प्रॉब्लम आती है अलाइनमेंट मैकेनिक को। यहाँ तक कि सर्विस सेंटर वालों को भी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार अपने टेक्निकल टीम से भी बात करनी पड़ती है, टेक्निकल टीम को भी बुलाना पड़ता है। तो अब इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है कि देखो, जिमनी को वैसे जो मारुति की जिप्सी गाड़ी थी उसी को मॉडिफाई किया गया है। उसके सस्पेंशन में थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है और बॉडी में थोड़ा चेंजिंग किया हुआ है, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी उसमें डाले गए हैं, काफ़ी फीचर्स आए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो अलाइनमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो इसमें टो का ही एंगल एडजस्ट करना होता है, लेकिन टो के अलावा जो हमारी गाड़ी का हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में एक जैसे ओमनी की तरह स्टीयरिंग बॉक्स होता है जो हमारे स्टीयरिंग व्हील से जुड़ा रहता है। यानी इसमें एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से है जैसे जिप्सी में थी, लेकिन इसमें और थोड़ा सा और चेंजिंग किया हुआ है। स्टीयरिंग बॉक्स से एक रॉड जाती है लेफ्ट वाले व्हील के लिए, और लेफ्ट वाले व्हील से एक और फिर रॉड जाती है पीछे की तरफ राइट वाले व्हील के लिए। यानी जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, अगर हमें लेफ्ट वाले पहिए की एडजस्टमेंट करनी है तो जो स्टीयरिंग से जुड़ी हुई रॉड है उससे एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन जैसे ही उसे एडजस्ट करेंगे राइट की भी एडजस्टमेंट बिगड़ जाती है। और फिर राइट की एडजस्टमेंट करते हैं पीछे वाली रोड से, तो पीछे वाली रोड से दोनों पहिए हमारे जुड़े हुए हैं तो उससे फिर लेफ्ट की एडजस्टमेंट बिगड़ जाती है। साथ में हमारा उसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर लगा हुआ है स्टीयरिंग में, यानी ईपीएस स्टीयरिंग दिया हुआ है, जिससे अगर 1-2 mm का भी इधर उधर फर्क आ जाता है तो हमारी गाड़ी का या तो स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाता है या गाड़ी में पुलिंग बन जाती है। और अगर स्टीयरिंग को कई बार हम खोल कर सीधा कर देते हैं तो फिर हमारी स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से कुछ खास प्रॉब्लम आती है इस गाड़ी में लेफ्ट या राइट पुलिंग की, और उसके हिसाब से फिर अलाइनमेंट भी हमारी एक प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की गाड़ी के बारे में, वो है महिंद्रा। महिंद्रा की गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियों में जो एसयूवी की गाड़ी है जैसे आपका स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन, इसमें कैम्बर, कैस्टर और टो तीनों की एडजस्टमेंट है।
और तीनों की एडजस्टमेंट में से किसी की भी एडजस्टमेंट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है तो फिर गाड़ी में पुलिंग बन जाती है, यानी हमारी गाड़ी की हैंडलिंग खराब होने लगती है, या उसे हम सही करते हैं तो कई बार फिर टायर खाने की प्रॉब्लम आ जाती है। और इन चीज़ों को सही करते हैं तो कई बार टायर की ही वजह से पुलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक तरह से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई टायर की वजह से प्रॉब्लम है, कैम्बर की वजह से प्रॉब्लम है, या कैस्टर की वजह से प्रॉब्लम है। तो इस तरह से उस गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसी तरह से दूसरी जो इसकी गाड़ी है स्कॉर्पियो एन, जो स्कॉर्पियो का नया मॉडल है, उसमें कैस्टर की एडजस्टमेंट नहीं है, कैम्बर की एडजस्टमेंट है और टो की एडजस्टमेंट है, साथ में ईपीएस स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर है। तो जैसे ही हम अगर कैम्बर करते हैं और कैम्बर की एडजस्टमेंट करने में टो का अगर एक आधा एमएम इधर उधर हो जाता है लेफ्ट या राइट में, तो हमारा जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है उसकी कैलिब्रेशन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में पुलिंग बन जाती है। कैम्बर वगैरह को सेट करते हैं तो हमारे टायर खाने की भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। तो इस तरह की गाड़ी में ये प्रॉब्लम आती है। महिंद्रा की तीसरी गाड़ी है XUV 500, XUV 700, जिसमें आगे टो की एडजस्टमेंट है और पीछे रियर व्हील में आपकी टो की और कैम्बर की एडजस्टमेंट है। इसमें पीछे की एडजस्टमेंट की वजह से कई बार पुलिंग की प्रॉब्लम आती है, टायर खाने की भी प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ हमें एडजस्ट करने के बाद ये गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह से बहुत से मैकेनिक लोग रियर व्हील की अलाइनमेंट नहीं करते हैं, केवल फ्रंट व्हील की टो की एडजस्टमेंट कर देते हैं, जिससे पीछे के जो टायर हैं वो घिसने लगते हैं। तो पीछे की भी अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं, कैम्बर और टो में कहीं इधर उधर 19-20 का फ़र्क आ जाता है, तो फिर हमारी गाड़ी में पुलिंग हो जाती है। तो इस तरह से महिंद्रा की ये दो तीन गाड़ी हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है व्हील अलाइनमेंट करने में। अब चलते हैं तीसरी कंपनी के बारे में, वो है टोयोटा की। और टोयोटा की सभी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, एडजस्टमेंट भी सब में अलग अलग तरह की है, लेकिन बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम खास आती नहीं है। लेकिन एक जो गाड़ी है वो है इनोवा क्रिस्टा, जिसमें कैम्बर, कैस्टर, टो इन तीनों की एडजस्टमेंट है। साथ के साथ हम एडजस्टमेंट इनको सही तरह से भी कर देंगे तब भी इसमें एक टायर खाने की भी प्रॉब्लम है, जो अंदर से टायर घिसता है इसमें, वो ज्योमेट्रिकल इसका क्या लफड़ा है सस्पेंशन में, जिससे ये अंदर से थोड़ा सा टायर घिसता है। और हम कैस्टर, कैम्बर ये सारा कुछ कर देते हैं तो कई बार तब भी हमारी पुलिंग बन जाती है टायर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। और कैस्टर कैम्बर में थोड़ी सी अगर कमी रह जाती है तब हमारी गाड़ी की पुलिंग हो जाती है, यानी पुलिंग बन जाती है। तो इसमें इस तरह की समस्या आती है। वैसे टोयोटा की और भी गाड़ी है, इनोवा है पुरानी वाली, और आपका फॉर्च्यूनर है, उन सब में आपकी कैम्बर, कैस्टर सबकी एडजस्टमेंट है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी कंपनी, वो है टाटा। टाटा में ऑलरेडी पहले से ही थोड़ी सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें अलाइनमेंट करने में प्रॉब्लम आती थी, जैसे हमारी टाटा सुमो। टाटा सुमो के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं और उनमें कैस्टर, कैम्बर, टो इन तीनों की एडजस्टमेंट है, और इन तीनों को एडजस्ट करने के लिए मैकेनिक को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। कैम्बर मिलाते हैं कैस्टर बिगड़ जाता है, कैस्टर मिलाते हैं कैम्बर बिगड़ जाता है। तो इस तरह से इनमें ये प्रॉब्लम आती है, और फिर उसके बाद हैंडलिंग की भी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से हमारी टाटा स्टॉर्म है, उसमें भी कैस्टर, कैम्बर, टो तीनों की एडजस्टमेंट है। उसमें भी अगर कैम्बर और कैस्टर का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो गाड़ी में पुलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, गाड़ी लेफ्ट या राइट भागने लगती है। उसके अलावा जो अब टाटा की नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें सभी में स्टीयरिंग एंगल सेंसर आ रहा है और ईपीएस स्टीयरिंग सिस्टम है, जिससे और साथ में कैम्बर की भी एडजस्टमेंट है, छोटी हैचबैक गाड़ियों में भी है और बड़ी एसयूवी वगैरह में भी है। तो उसको एडजस्ट करने में कई बार हम कैम्बर एडजस्ट करते हैं तो टो का एंगल बिगड़ जाता है और उसकी वजह से हमारा स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन ख़राब हो जाता है। और वैसे ऑलरेडी टाटा की छोटी जो गाड़ियां हैं उनमें स्टीयरिंग टिल्ट होने की प्रॉब्लम आ रही है, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन ऑलरेडी कंपनी से ही कुछ गाड़ियों में ऐसा आता है, आउट आता है, जिसे फिर हम
अलाइनमेंट में सही करते हैं तो फिर हमारी गाड़ी में पुलिंग की प्रॉब्लम आती है, हैंडलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद दोस्तों जो पांचवी कंपनी है वो है हुंडई। हुंडई में छोटी जो हैचबैक गाड़ियां हैं उनको छोड़कर सभी सेडान या एसयूवी जो कारें हैं उनमें सब में ईपीएस स्टीयरिंग है। वैसे तो सब में ईपीएस है लेकिन स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो एक उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो इन गाड़ियों में ज़्यादा है। और इनमें वैसे टो की ही एडजस्टमेंट है ज़्यादातर, लेकिन टो में अगर जरा सा भी एक आध mm हमारा प्लस माइनस हो जाता है तो फिर गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, गाड़ी एक तरफ खींचने लगती है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसका कैलिब्रेशन का भी चक्कर पड़ता है, स्टीयरिंग को कैलिब्रेट करना पड़ता है और फिर अलाइनमेंट को उसी तरह से सेट करना पड़ता है। तो ये पांच जो कंपनी है इनमें थोड़ी सी ये दिक्कत आती है मैकेनिक लोगों को। वैसे देखिए प्रॉब्लम की बात करें तो किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हर गाड़ी में आती है लेकिन वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन ये जो गाड़ियां मैंने बताई हैं इनमें खास तौर से ये प्रॉब्लम आती है, स्टीयरिंग से रिलेटेड है या कैम्बर कैस्टर से जुड़ी हुई है, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन से जुड़ी हुई है, तो इस तरह से इन गाड़ियों में दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको कोई जानकारी मिली है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ और इसमें सजेशन देना चाहते हैं या कोई और डाउट है आपके लिए तो कमेंट करके हमें भेज सकते हैं और उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।